पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का विवादों से पुराना नाता रहा है। विवाद ना हो तो शाहिद अफरीदी की बात ही भी नहीं होती। एक बार फिर वो विवादों में है। वजह है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर लेकर उनका बयान। दरअसल ये बयान नहीं, अफगानियों दिल में चुभने वाला तीर है। राशिद खान और मोहम्मद नबी जैसे अफगान क्रिकेटर अगर शाहिद अफरीदी के इस बयान को सुन ले तो गुस्से से लाल पीले हो सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो जानने के लिए आपको वो जानना जरूरी है जो शाहिद अफरीदी ने कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर ने दरअसल तालिबानियों की तारीफ की है और इस चक्कर में इतना ज़्यादा बोल गए कि विवादों में आ गए। उन्होंने कहा कि तालिबान इस बार बड़े पॉजिटिव फ्रेम माइंड के साथ आया है। उसने वहां की महिलाओं को काम करने और राजनीति में उतरने की इजाज़त दी है। ये चीज़ पहले देखने को नहीं मिली। अफरीदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है। श्रीलंका के हालत की वजह से इस बार सीरीज नहीं हुई लेकिन तालिबान क्रिकेट को फुल सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद राशिद और नबी जैसे वहाँ के स्टार क्रिकेटर ने लगातार इसका विरोध किया और सोशल मीडिया के जरिए वर्ल्ड लीड्स में है इसमें दखल देने की अपील की। उन्होंने अफगानिस्तान में हुए ताज़ा बदलाव का विरोध किया। ऐसे में अब अगर शाहिद अफरीदी तालिबान के सपोर्ट में अपने मन की बात कह रहे हैं तो जाहिर है राशिद खान के दिल को ठेस पहुंचेगी। वैसे सिर्फ शाहिद अफरीदी ही नहीं बल्कि उनका मुल्क पाकिस्तान का बड़ा समर्थक रहा है। उधर तालिबान भी पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बता चुके हैं।